दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में वास्तु नियमों का विशेष महत्व बताया गया है। अगर नियमित रूप से कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो घर की सभी समस्याएं दूर होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वो आपकी किस्मत रातों रात चमक जाती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत का साथ नहीं मिलता। कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप भी कई तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं तो वास्तु के कुछ उपाय व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन व्यतीत करने में मदद करते हैं। इन वास्तु टिप्स को अपनाकर आप अपने बैड लक को गुड लक में आसानी से बदल सकते हैं, जो आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान कुबेर को समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में भगवान कुबेर का वास होता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इससे आपकी किस्मत चमक जाएगी और घर में पैसों की कमी नहीं होगी। हालांकि इस बात का भी खास ख्याल रखना होगा कि इस दिशा में भारी फर्नीचर, जूतों के रैक आदि न रखे से नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में धन प्राप्ति के लिए घर में लाकर या तिजोरी को सही दिशा में रखें। वास्तुशास्त्र में तिजोरी रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा दक्षिण पश्चिम बताई गई है। कहते हैं कि ये दिशा स्थिरता बनाए रखता है। ऐसे में इस दिशा में तिजोरी रखने से किस्मत बदलती है, घर में धन का आगमन बढ़ता है, इससे व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के प्रवेश द्वार से लोगों के साथ सकारात्मक ऊर्जा का भी घर में एंट्री होता है। इससे व्यक्ति को भाग्य का पूरा साथ मिलता है। इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि दरवाजे पर लगे ताले सही तरीके से लगे होने चाहिए। दरवाजे में कोई दरार नहीं होनी चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर नेम प्लेट, पौधे और विंड चाइम लटका सकते हैं। इससे घर में धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, दुर्भाग्य से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से छत पर मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इससे आपकी परेशानियाँ जल्दी खत्म हो जाएंगी। इससे व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। रोजाना तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहती है। इस उपाय से घर में आर्थिक तंगी कुछ ही दिनों में दूर हो जाती है। इसके अलावा नियमित रूप से स्नान करने के बाद घर के ईशान कोण में गंगा जल छिड़के, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।